हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ बैजू में। देखिए, आज हम लोग घटना चक्र का बायोलॉजी का अंतःस्रावी तंत्र देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अंतःस्रावी तंत्र का। देखिए, कुछ थ्योरी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी विथ बैजू के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम है बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। सारी ग्रंथियाँ जो इसमें दिया हुआ है, और आप इस ग्रंथि को देख सकते हैं शरीर के कौन से पार्ट्स में कौन कौन सी ग्रंथि होती है, कहाँ पे क्या होती है। ठीक है, हार्मोन्स वगैरह जो स्राव होता है, एंजाइम वगैरह, आप इस डायग्राम में आप जो इसे देख सकते हैं। आप चलिए इसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं आज की। प्रश्न नंबर 1 है, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, पित्त पिंड कहाँ पाई जाती है। तो पित्त पिंड जो है सो अंडाशय में जो है सो पाई जाती है। ठीक है, अंडाशय क्या वो हम लोग कहते हैं ओवरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका जो है सो ADH द्वारा हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर जो है सो आपका ADH है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, ये जो ADH हार्मोन है ये कहाँ से स्राव होता है, तो ये जो है सो पीयूष ग्रंथि से स्राव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है, सूची 1 में दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और सूची 2 में जो है सो दिया है स्रावित हार्मोन, और दोनों को मैच करना है। ठीक है, तो देखिए जनन ग्रंथि जो सो किससे रिलेटेड है, जनन ग्रंथि से कौन सी जो सो हार्मोन स्रावित होती है, तो जनन ग्रंथि से जो है सो हार्मोन स्रावित होती है आपका प्रोजेस्टेरोन, तो जनन ग्रंथि आपका मैच कर जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए जनन ग्रंथि आपका हो गया प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि से आपका जो है सो स्रावित होती है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से आपका स्रावित होती है क्या चीज, वृद्धि हार्मोन। चलिए अग्नाशय से क्या स्रावित होती है, तो अग्नाशय से स्रावित होती है इंसुलिन। ठीक है, और अधिवृक्क से क्या स्रावित होती है, तो अधिवृक्क से कॉर्टिसोल जो है सो स्रावित होती है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C जो है सो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, चलिए 4 नंबर में दिया है हार्मोन दिया सूची 1 में, और सूची 2 में स्रावित ग्रंथि दिया है, दोनों को मैच करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका दिया है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सो स्रावित होती है आपका जो है सो गर्भाशय महिला से। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सो आपका स्रावित होती है गर्भाशय महिला से। नेक्स्ट है 2 नंबर में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होती है वृषण। ठीक है, और 3 नंबर में दिया है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होती है, तो थायरोक्सिन जो है सो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, और इंसुलिन इंसुलिन अग्राशय से स्रावित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने की दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कारण क्या है कि अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है। क्यों, क्योंकि तो अग्नाशय की जो सो बिट अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से जो है सो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है सो स्रावित होती है, इसीलिए जो है सो ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए 6 नंबर पर कहता है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, अग्नाशय में खराबी हो जाएगा तो देखिए इसका सही आंसर आपका है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकोगन नहीं बनेंगे। इंसुलिन जो है सो कहाँ से बनती है, तो इंसुलिन जो है सो बिट्टा नामक कोशिकाओं से बनती है, जबकि ग्लूकोगन ठीक है ये जो है सो आपका जो है सो अल्फा नामक कोशिका से बनती है। ठीक है, और एक होता है डेल्टा, डेल्टा से जो है सो सोमेटोस्टेटिन नाम का जो है सो स्राव होती है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन का स्राव होती है डेल्टा कोशिका से। ठीक है, जो आपका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सात नंबर प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है, तो हार्मोन जो है सो आपका सिक्रेटिन कहलाता है। ठीक है, यही जो है सो सिक्रेटिन जो है सो उत्पादित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आठ नंबर प्रश्न है कि मधुसूदनी जिसे कहते हैं इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक है, क्या है इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है क्या है, तो ये जो है सो इंसुलिन एक पेप्टाइड है। ठीक है, इंसुलिन एक पेप्टाइड है और जिसकी रचना 51 एमिनो अम्ल से होती है। ठीक है, 51 एमिनो अम्ल से बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नौ नंबर है, इंसुलिन होता है क्या, इंसुलिन होता है तो इंसुलिन जो सो एक प्रोटीन होता है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, चाहे आप कहें पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, और ये जो है सो कहाँ से स्रावित होती है, अग्नाशय के अंतःस्रावी, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बिट्टा कोशिकाओं से। ठीक है, जो पहले बताए थे बिट्टा कोशिकाओं से स्रावित होती है। अगला देखिए, चलिए देखिए क्या है दस नंबर में, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। ठीक है, तो जस्ता जो है सो इंसुलिन में मौजूद होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक प्रश्न है आप लोग से फ्रेंड्स कि शरीर में कौन सी हार्मोन की कमी हो जाती है जब मदिरा पान करते हैं तब। ठीक है, और मूत्र स्राव की मात्रा जो है सो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कहता है 13 नंबर में है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो ये तो आप जानते होंगे मधुमेह इंसुलिन की कमी से होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से किया जाता है, तो अग्नाशय में ही कोशिका होता है आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर कहता है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ पे, अग्नाशय से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंसुलिन एक प्रकार है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन है ठीक है, दिया है आपका ऑप्शन में वसा दिया है, विटामिन दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, प्रोटीन दिया है, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही मस्त प्रश्न दिया है, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम लोग जानते हैं एक अग्नाशय से प्राप्त होता है और दूसरा जो है सो एक होता है डहलिया की जड़ों से। ठीक है, डहलिया की जड़ों से। नेक्स्ट है 20 नंबर, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखिए 21 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो भूमिका कौन सा निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं है तो देखिए, केराटिन दिया है, फाइब्राइन दिया है, ऑक्सीटोसिन है, कालाजाइन है। तो ऑक्सीटोसिन जो है सो हार्मोन है। 23 है, 23 नंबर, कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है सो कहाँ से स्राव होती है? तो ऑक्सीटोसिन जो है सो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, और पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन जो है सो स्राव होती है, ये जो है सो कहाँ से स्रावित होती है? आपका आपका पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से जो है सो स्रावित होती है, अग्रपिंड से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24 है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? मतलब एक ग्रंथि है जो दिया है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रावटू। ठीक है, प्रावटू जिसे हम लोग कहते हैं पैरा थायराइड या प्रावटू ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 25 में है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो हार्मोन की सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 26 है, थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन क्या है? एक थायरोक्सिन जो है सो हार्मोन है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। 27 नंबर प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है थायरोक्सिन, और ये थायरोक्सिन का कहाँ से स्राव होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से स्राव होता है। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है? ये मानव के गर्दन के भाग में होता है, श्वास नली के दोनों ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 28 नंबर, आयोडीन युक्त नामक, सॉरी, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या है? तो क्योंकि यह एक थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए जो है सो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि आयोडीन युक्त नमक जो है सो खाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, झारखंड में पूछा था, झारखंड PCS एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न क्या है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। ठीक है, ये जो थायरोक्सिन है, ये थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन एक एमिनो अम्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 31 में क्या है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ठीक है, एक हार्मोन है जो उत्तेजित करता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए। ठीक है, तो वो हार्मोन कहलाता है TSH, और इसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न देखिए, 32 है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? किसमें आयोडीन है, कौन सा हार्मोन में? तो थायरोक्सिन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 33 है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, जिसमें जो है सो गला जो, तो शरीर में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, जो जनरली किसी के गले में देखते होंगे, गला फूला हुआ जैसा लगता है, तो उससे जो है सो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए 35,
कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन को हम लोग और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है, जो मेडुला से स्रावित होता है। ठीक है, और इस हार्मोन का काम क्या है, ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन को भी जो है सो तेज कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 36। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो कौन सा होता है, अभी ही बताएं कि ये जो है सो एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ठीक है, एस्ट्रोजन जो है सो एक हार्मोन है और ये कहाँ से उत्पादित होता है, तो ये जो है सो पुटिका के द्वारा जो है सो उत्पादित होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, और इस हार्मोन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा ओवना आरारम से लेकर रजनोवृत्ति की आयु तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 38 है, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, 39 प्रश्न है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है सो आपका ऑप्शन जो दिया है इसमें जो है सो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं सटीक दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सो सही दिया नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है सो किसी महिला से स्रावित होती है और मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और क्या दिया है, जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों हार्मोन बंद हो जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है जो शरीर में वसा एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही इसका डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ठीक है, तो दिया है ऑप्शन नंबर 1 में एंडोस्टेरोन। ठीक है, एंडोस्टेरोन का दूसरा नाम कहलाता है एंड्रोजन। ठीक है, जो एक पुरुष हार्मोन है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, ये भी पुरुष हार्मोन है। तीसरा दिया है एस्ट्रोन, एस्ट्रोन जो है सो एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा एस्ट्रो। ठीक है, एस्ट्रोन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, मतलब जो सो उसका कोई नली वगैरह नहीं होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को बोला जाता है कि नली इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 45 नंबर है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो कौन करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट, फॉस्फेट को विनियमित कौन करता है, तो विनियमित करने वाला कहलाता है परावटू हार्मोन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, यही पैराथायरॉयड हार्मोन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है शरीर में। ठीक है, एक प्रश्न है आप लोग से फ्रेंड्स कि आप बताइएगा कि कौन सा हार्मोन्स है, ठीक है, जो नींद और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, नींद आता है, प्रकाश चला जाता है, ठीक है, रात को धीरे धीरे शाम हो जाता है तो फिर नींद आने लगती है, तो नींद आने लगती है और जागने की भी क्रिया होती है, उसको नियंत्रित करने वाली कौन सी हार्मोन होती है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
47 नंबर में है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि बोला है तो कौन है, ये कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये जो है सो कैसा होता है, ये होता है गोल तथा भूरी रंग का, ठीक है। और वजन कितना होता है, वजन इसका 0.5 से लेके 1 ग्राम तक होता है। और इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर जो है सो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है आप देखिए, इसका दूसरा नाम कहलाता है हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ठीक है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका जनन एवं भ्रूणीय विकास, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इसमें 5 प्रश्न हैं, जनन एवं भ्रूणीय विकास। आइए 5 प्रश्न देखते हैं, आप थ्योरी इसका जो है सो देख सकते हैं जाके आप PDF में, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आप क्या है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है सो अंड वाहिनी में होती है, ठीक है, सही आंसर इसका बी नंबर है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो शुक्राणु जो है सो डिंब को निषेचित कहाँ पे करता है, डिंब वाहिनी नली में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितना दिन तक? तो 1 से 2 दिन तक सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, 1 से 2 दिन तक, 48 से 72 घंटा तक, 48 से लेके 72 आवर्स तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और 4 नंबर प्रश्न है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, ठीक है, तो मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में, ठीक है, वैसे कहा जाता है 4 से लेके 5 सप्ताह में कहा जाता है, ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन दिया है 4th सप्ताह में। और क्या है, 3 से 8 सप्ताह के पीरियड को कहा जाता है भ्रूण विकास काल, ठीक है, 3 से 8 सप्ताह के पीरियड को। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, मतलब कि जैसे कि पेट में बच्चा है तो बाहर से धक्का वगैरह नहीं लगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसको कौन रक्षा करता है, तो उसको रक्षा करने वाला कहलाता है उल्व, ठीक है, जिसमें पाया जाता है एक उल्वी तरल पाया जाता है, ठीक है, उल्वी तरल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एमिनोटिक फ्लूड, ठीक है। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी घटना चक्र का जो है सो बायोलॉजी का जो है सो मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समाप्त हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में जो है सो हम चालू करेंगे पादप से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पादप कारिकी से समाप्त चालू करेंगे, प्लांट से, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, ओके, टेक केयर।